Shrimati Indrani Mukherjee, the CEO of INX Media. Indrani ji, a few words please. Good evening everybody. On behalf of 9X, I'd like to welcome all of you today. INX Media की पूर्व CEO इंद्राणी मुखर्जी की यही पहचान थी। मुंबई की बड़ी हस्तियों में शुमार इंद्राणी मुखर्जी की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किसी जमाने में वो कितनी बड़ी हस्ती हुआ करती थी। I'd like to use this opportunity to congratulate Smita and Mukti Foundation. They've completed 10 years and 10 years of dedicated hard work for the cause of AIDS. इसी समारोह में स्टेज के सामने बैठे थे उनके पति पीटर मुखर्जी और इंद्राणी की बेटी शीना। शीना की हत्या के आरोप में इंद्राणी गिरफ्तार हो चुकी हैं। तब पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के सीईओ हुआ करते थे और इंद्राणी मुखर्जी एचआर कंसल्टेंट थी। बताते हैं कि जब पीटर स्टार इंडिया में थे तब दोनों के बीच प्यार हुआ। पीटर ने इंद्राणी को प्रपोज किया और साल 2002 में इंद्राणी की पीटर मुखर्जी से शादी हुई। तब इंद्राणी ने बताया कि उनकी एक बेटी विधि है जिसे वो पीटर के पास लेकर आ गई। पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी से दो बेटे हैं। शादी के वक्त पीटर 46 साल और इंद्राणी 30 साल की थी। पीटर मुखर्जी ने जनवरी 2007 में स्टार इंडिया छोड़कर अपनी कंपनी बना ली थी। साल 2007 में 9X मीडिया नेटवर्क को पीटर और इंद्राणी ने शुरू किया, जिसकी सीईओ इंद्राणी बनी और चेयरमैन बने पीटर मुखर्जी। इसके तहत दो कंपनियां थी, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और INX न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन 2009 में दोनों ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। साल 1999 में पीटर मुखर्जी ने स्टार इंडिया की कमान संभाली थी। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक साल के भीतर स्टार प्लस बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। साल 1993 में पीटर ने स्टार कंपनी हांगकांग में ज्वाइन की थी बतौर सेल्स डायरेक्टर इंडिया, और बाद में उनका तबादला भारत में एडवर्टाइजिंग सेल्स डिवीजन में हो गया। और साल 1999 में पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के सीईओ बनाए गए। पीटर के कुर्सी संभालने पर तब लोगों ने कहा कि मार्केटिंग फील्ड से आने वाले को नेटवर्क प्रोग्रामिंग के बारे में क्या पता होगा, लेकिन पीटर मुखर्जी ने साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। स्टार प्लस पर प्रसारित हुए धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और कौन बनेगा करोड़पति ने स्टार प्लस चैनल को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। स्टार प्लस सोनी और जी टीवी को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया। पीटर मुखर्जी ने हिंदुस्तान को एंटरटेनमेंट का डेली डोज परोसा था, जो आज भी चल रहा है। और इंद्राणी की INX कंपनी में 9XM चैनल नंबर 1 म्यूजिक चैनल बन चुका था। लेकिन आज इंद्राणी सलाखों के पीछे हैं और पीटर जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल से रूबरू हैं।